जिला मुरादाबाद के ग्राम साकटू नगला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेत पर कार्य कर रहे कुछ किसानों पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि आवारा जंगली जानवर ने 3 किसानों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल युवक के शोर मचाने पर खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने जानवर को शोर मचाकर भगाया और युवक को आवारा जानवर के चंगुल से छुड़ाया। तीनों युवकों को ग्रामीणों की मदद से निजी हॉस्पिटल में आनन-फानन में भर्ती करवाया गया, जिसमें घायल किसानों का उपचार किया जा रहा है। घायल किसान ने बताया कि वह अपने गांव के ही कुछ दूरी पर अपने खेत पर अकेला गेहूं के भूसे का बोंगा बना रहा था। अचानक खेत में पीछे से जंगली जानवर ने हमला कर दिया। जानवर के हमले के बाद ही तुरंत उसकी चीख पुकार शुरू हो गई थी। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण ने जानवर के चंगुल से उसे छुड़ाकर पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। किसान ने बताया कि वह मामले की सूचना वन विभाग अधिकारियों को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन इन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, जिसमें खेत में कार्य कर रहे किसानों में जानवरों के द्वारा डर का माहौल बना हुआ है और अपनी जान हथेली पर रखकर अपने गेहूं की फसल को किसान उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा देश कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद के मुंडा पांडा थाना क्षेत्र के गांव साकटू नगला में आवारा जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है और किसानों को जंगली जानवर अपना शिकार बनाकर काटकर खा रहे हैं, जिसमें किसानों की खड़ी फसल अब कटनी मुश्किल हो पा रही है। आवारा जंगली जानवरों के आतंक को बढ़ते देख किसानों ने वन विभाग के अधिकारी की टीम को सूचना दी, लेकिन ना तो वन विभाग अधिकारी जानवरों को पकड़ने आए हैं और ना ही इस मामले पर वन विभाग तथा आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, जिसमें सभी किसान डरे और सहमे हुए हैं और अपनी फसल को नहीं उठा पा रहे हैं। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सनाहत हुसैन है। सनाहत जी, क्या मामला है जो जानवर ने हमला किया आपके भाई पर, कई लोग घायल किए हैं? जी, हम सुबह 7 बजे के लमसम में इंजन लगाया था खेत पे की सिंचाई के लिए, तो मेरा भाई बरा साफ कर रहा था, तो ये पीछे से आया। ये 8:30 या 9 बजे की बात है, पीछे से आया और टक्कर मार कर सीधा भागा चला गया, उसमें उसके चोट लग गई। और जो लोग हैं, कितनी उनकी चोट है, कहाँ के हैं? जी, लोग हैं जहाँ हमने पट्टी बंधवाई अपने भाई की, वहाँ और लोग भी आते गए, 15 मिनट, कोई आधा घंटे बाद, कोई 1 घंटे बाद, इकट्ठे हुए 4-5 लोगों के लगी है गाँव की चोट। लगभग उनके कितनी चोट है? उनके ही बहुत, हमारे भैया से ज़्यादा चोट है। इससे पहले भी हमला कर चुका जानवर? देखा गया है, हमले की कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या मांग करना चाहते हैं मुरादाबाद के प्रशासन? मतलब DFO साहब से ये मांग करना चाह रहे हैं, जो भी वन विभाग की टीम होती है, इससे साहब इसे पकड़वाया जाए, बुलाना हो गया है शायद। आपने किसी को सूचना दी है? हाँ, जो हमारे मुंडा पांडे के DFO सर हैं, उनसे बात हुई है। क्या बोल रहे हैं वो? वो कह रहे हैं कि मैं इसमें संज्ञान में लेकर काम देखता हूँ इसके अंदर। इससे पहले जो घायल हैं वो गांव के ही हैं आपके, कहाँ के हैं? हाँ, गांव के ही हैं। ठीक है। हजरत, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब, क्या हमला जानवर ने आप पे किया है, पूरा मामला बताइए। जी, जानवर पिग जिसको बोलते हैं, उसने हमला किया है। किस तरह से? जी, पीछे से आके उसने हमला किया, हम बचने की कोशिश करी, लेकिन उसने आके हमारे ऊपर हमला कर दिया। क्या कर रहे थे आप? जी, हम भूस डाल रहे थे, बोंगा बना रहे थे और भूस उसमें डाल रहे थे। कितने लोगों को घायल किया उसने? उसने हमारे यहाँ मिला गिलपुरा ज़िला मुरादाबाद का जो गांव है, उसमें अभी हमें एक को किया, बाकी और इधर अदर लोगों को उसने घायल किया है। लगभग कितने लोग हैं? जी, तकरीबन 4 से 5 लोग हैं। कितनी तरह बुरी तरह से घायल है, किस तरह है? बहुत बुरी तरीके से घायल है, कुछ लोगों को ये है कि पीछे से घायल किया है, कुछ टांगों में, कुछ जगह पीठ पर, बहुत जगह उनको घायल किया है। किस टाइम की घटना है? जी, अभी फ़िलहाल 9:30 की घटना है ये, 9:30 बजे। पुलिस को सूचना दी थी आपने? नहीं, सूचना नहीं की है पुलिस को। अच्छा, जो जंगली जानवर आवारापन में लोगों पर हमला कर रहा है, उसकी पकड़ होनी चाहिए, क्या किस तरीके की मांग करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि इसको रोका जाए, इनको पकड़ा जाए, क्योंकि ऐसा हमारे साथ में हुआ, कल किसी और के साथ में भी हो सकता है, किसी बच्चे को भी घायल कर सकता है। हम किसान आदमी हैं और किसान आज के दौर में काम कर रहे हैं खेतों, हो सकता है किसी पर हमला कर लिया तो काम ख़राब हो सकता है और ज़्यादा, तो मेरी अपील है प्रशासन से भी कि उसको पकड़ा जाए। अच्छा, कितने टाँके आपके आए हैं? जी, मेरे 60 टाँके आए हैं और पैर में भी मेरे ज़ख्म हैं बहुत ज़्यादा। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ।
जो आज आपके यहाँ पे जंगली जानवर के पेशेंट आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला, कितने लोग आए हैं? ये किसान लोग हैं, जंगल में किसानी का काम कर रहे थे, अचानक इनका हवा बोल दिया जानवरों ने, जंगली जानवरों ने। ये मेरे पास आए और इनका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा, स्टिचिंग आई है कम से कम 60-65 की इनकी, तो बुरी तरह से हेल्थ है, ब्लीडिंग हो रही है इन्हें, तो इसका क्लिनिक पर आई मेरी, मैंने इनका स्टिचिंग करी और इनके इलाज चालू हो गया। कितने लोग आपके पास आए थे? मेरे पास 2 पेशेंट आए थे। किस तरह घायल थे? बुरी तरीके से घायल थे, बहुत एक ऐसा जैसा बेहोशी कंडीशन, लेकिन इनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी तो इसी वजह से इनकी स्टिचिंग लगानी पड़ी और अब ब्लीडिंग रुक गई है, पेशेंट भी ठीक ठाक है। कितने लोगों को जानवर ने घायल किया बताया? यहाँ कम से कम 3-4 लोगों को घायल किया। आपके पास 2 लोग? मेरे पास 2 लोग हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.